हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और न्यू फोर जे की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आपने देख तो लिया है पहले ही, रिटर्न स्टेटमेंट को, तो उसको थोड़ा मजीद थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है। रिटर्न जैसे पता चल रहा है कि डेटा रिटर्न कर रही है और कोई भी एक्सप्रेशन होती है साइफर क्यूरी लैंग्वेज की सीक्वल की, उसके डिफरेंट पार्ट्स को रिटर्न करने के लिए होती है, नोड हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, रिलेशनशिप हो गया, सो ऑन सो फॉर्थ। तो इसमें हम वही चीज़ देखते हैं क्या है, हम क्या क्या चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, नोड रिटर्न कर सकते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की टाइप क्या है और क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल से, ये आप देख चुके हो कई दफ़ा कि मैच एक नोड की नोड रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है, ये तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, और ये विजुअल फॉर्म में आ रहा होता है कि आपने जो भी मैच को नोट कर, होता क्या है इतना हिस्सा जो होता है ये मैच को, मैंने आपको तफसील से बताया पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें इस प्लेलिस्ट में, इतना हिस्सा मैच होता है जो भी कंप्यूट होता है इस हिस्से का, ठीक है। जो भी इसका आउटपुट होता है उसको हम चाहे रिटर्न करते हैं, रिमूव करते हैं, अपडेट करते हैं, जो भी करते हैं। तो अगर आपको ये हिस्सा समझ में आ गया कि मैचिंग किस तरह होती है, बाकी चीज़ें आसान है। तो मैचिंग के बाद हम पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं कि डेटा रिटर्न कर रहे हैं, फिर अपडेट और रिमूव वगैरह भी देखेंगे। सिंपल है, मैच किया और रिटर्न कर दिया, अच्छा ये तो नोट्स रिटर्न हो गए। दूसरा क्या है, मैच रिलेशनशिप, सही है कि रिलेशनशिप रिटर्न करना है। तो मैं इसको सिंपल इसको कॉपी यहीं से कर लेता हूँ के बजाय, पहले मैं देखो हो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ किया m कॉमा n किया तो क्या होगा, नोड्स रिटर्न हो गए, उसके रिलेशनशिप रिटर्न हो गए, सही है, तमाम चीज़ें रिटर्न हो गए n और m, लेकिन मैं सिर्फ वो रिटर्न करना चाह रहा हूँ रिलेशनशिप। तो ये r का जो वेरिएबल है इसको मैं रिटर्न कर दूँगा, सही है, ये रिटर्न हो गया। कंटेंस है जो जो भी प्रॉपर्टी से, ये टेक्सचुअल फॉर्म में एक्चुअली जेसॉन फॉर्मेट बता रहा है कि आइडेंटिटी क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट एंड क्या मतलब है कि नोट कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी नोट किससे कनेक्ट है, थ्री से कनेक्ट हुई, वन कनेक्ट हो गई, सो ऑन सो फॉर। और प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कोई प्रॉपर्टी मैंने रिलेशन की मैंने सेट नहीं की हुई है तो अभी वो सेट नहीं आ रही है, ठीक है। टाइप जो आ रही है टाइप आ रही है, अब मैं इसी को मैं चाह रहा हूँ, अगली चीज़ हम क्या देखना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप की टाइप देखना चाह रहे हैं कि टाइप क्या है। सिंपल क्या किया, टाइप रिटर्न कर दिया कि तमाम जो नोड हैं उनकी तमाम की टाइप जो है वो कंटेन्स है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, तमाम प्रॉपर्टीज रिटर्न करना, प्रॉपर्टीज तमाम तो नहीं क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिटर्न करना, नेम प्रॉपर्टी जैसा आपको पता है पिछली वीडियोज में दिखा चुके हैं, नेम प्रॉपर्टीज शेयर रिटर्न हो रही है, हमने सेट की थी तो हम उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसको क्या करेंगे, सिंपल ये रिटर्न कर दिया सर, सिंपल इज दैट। तो ये तो था कि किस तरह रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, कोई सवाल है या क्वेश्चन है, फीडबैक है तो आप वो ज़रूर कमेंट में दिएगा। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।